हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या और आज मैं हूँ कंप्लीट डॉल्ड अप। बट ये मेरा सीसी क्रीम मेकअप है, लेट मी टेल यू दैट। मैंने सिर्फ सीसी क्रीम यूज़ किया है, मैंने फाउंडेशन बिल्कुल नहीं यूज़ किया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने करेक्ट किया था अपने अंडर आइज को, थोड़ा सा बिट ऑफ, फिर सीसी क्रीम और फिर कॉम्पैक्ट पाउडर। एंड ये मैंने आज का शूट किया है कंटूरिंग और ब्लश ट्यूटोरियल बिगिनर सीरीज़ का। बेसिकली मैं दो दो चीज़ एक साथ ले रही थी कि ये मुझे सीरीज़ भी जल्दी ख़त्म करनी है और सारे पार्ट्स भी कवर करने हैं, तो इस हिसाब से मैंने दो दो पार्ट्स लेके बिगिनर सीरीज़ चालू रखी है। तो आज का पार्ट था कंटूर और ब्लश, और ये देखिए मेरा कंटूर और ये देखिए मेरा ब्लश। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे इट टर्नड आउट। सो मैंने हल्का सा कंटूर फोरहेड पे भी किया है। और यस, मैं काफ़ी लेट हूँ ब्लॉग चालू करने के लिए, इट्स आफ्टरनून, इट्स आई गेस 1 PM और सो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, बट मैं वीडियो ही शूट कर दी, सुबह से काम चल रहा था, मैं किसी ना किसी काम में बिजी थी, तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। बट नेवर लेट, आई हैव स्टार्टेड इट नाउ, सो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी अब। और मेरा आज का दिन काफ़ी बिजी है, अब मुझे इसे एडिट करना है जो मैंने बिगनर सीरीज़ का वीडियो शूट किया जो कल पब्लिश होना चाहिए था। आई एम सुपर डुपर लेट फॉर दैट। कल किसी पर्सनल रीजंस की वजह से मैं उसे ना शूट कर पाई, ना एडिट कर पाई, ना पब्लिश कर पाई। सो आज फाइनली मैं उसे एडिट करूँगी और फिर मैं उसको पब्लिश कर दूँगी। एंड वन डे लेट, बट नो वरीज, टुमारो विल बी माई ब्लॉग, दिस वन जो आप अभी देख रहे हैं। आई शुड प्रोबेबली नाउ स्टार्ट विद एडिटिंग। अगर मैंने अभी एडिटिंग नहीं चालू किया तो मैं 4 बजे तक पब्लिश नहीं कर पाऊंगी। मेरा टारगेट है कि मैं अभी 2:30 हुआ है शायद, या मैं 4 बजे तक पब्लिश करूँ। एंड आई गेस हम बाद में बात करेंगे और मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। ओके, टिल देन सी यू, बाय। हाय गाइस, हाउ आर यू, वेलकम बैक, इट्स अ वेरी गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून के बाद इवनिंग डायरेक्टली, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं खाना खा के एडिटिंग में इतनी बिजी हो गई थी क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा हो गया आज। मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। बेसिकली जब मैं शूट करती हूँ तो क्या बोलते हैं उसका, वीडियो का बटन जो चालू हो जाता है, तो आज मैं जब शूट कर रही थी वीडियो का बटन चालू ही नहीं हुआ। उसमें वो जो फेस मतलब चीक्स का कंटूरिंग पार्ट था वो आया ही नहीं, और कहाँ गया मैं खुद नहीं जानती हूँ कहाँ गया। सब तो मैंने प्रॉपर कॉपी पेस्ट किया और सब मैंने प्रॉपर शूट किया था, बट ये सबसे बड़ा कांड हुआ मेरे साथ आज। तो अब लेट मी टेल यू, आप ये नेक्स्ट डे ही देखोगे ऑब्वियसली ब्लॉग, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू कि आई एम सो सॉरी कि ऐसा हुआ है उस वीडियो में, कि मतलब मैं और चाहती नहीं हूँ कि उसको डिले करूँ और मैं अगले हफ्ते करूँ, क्योंकि अगर अगले हफ्ते उसको करूँगी तो फिर उसके बाद वाला और अगले हफ्ते जाएगा और फिर उसमें बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको किसी तरह से एडिट कर दिया, मतलब वो मुझे करना पड़ा क्योंकि आई गेस वो बहुत ज़्यादा मेन पार्ट था जो मिस आउट हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसको सोल्यूशन निकालने के, क्योंकि मैं पूरा शूट अपना जो भी किया है वो तो मैं वेस्ट नहीं खिला सकती क्योंकि मैंने इतने सारे घंटे उसमें लगाए थे। फिर से गेट रेडी होना, फिर से शूट करना और फिर से वो सब चीज़ें बोलना, काफ़ी बोर हो जाता है। सो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसको अच्छे से एडिट कर लूँगी और ऐसे ही शो करूँगी। आई होप आपको वो पसंद आए। तो यस, ये था एक बैड सीन जो आज मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा मूड ऑफ में थी कि मैं कुछ आगे कर ही नहीं पाई, मैंने व्लॉग भी नहीं किया। मैं एडिटिंग करते 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 ही बीच में सो गई हाफ एन आवर के लिए, मैंने नींद ली, फिर उठ के मैंने वापस एडिटिंग किया। एंड देन अब मैंने इस वीडियो को पब्लिशिंग पे रख दिया है, तो आई गेस वो 10-15 मिनट्स में पब्लिश हो जाएगा। सीरियसली सो नर्वस, पता नहीं अगर आप लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बेसिकली ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और मेरे साथ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड आई गेस दिस इज़ द स्टार्ट, क्योंकि ये चीज़ें भी फेस करना काफ़ी ज़रूरी है, यू नो। अब इससे मैंने एक बहुत अच्छा लेसन लिया, अगली बार से एकदम अलर्ट रहूँगी मेरा वीडियो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है। सो यस गाइज, इसके अलावा अब मैं जा रही हूँ मॉम के घर। बेसिकली प्रॉब्लम ये हुआ
कि मेरी मॉम गई है ट्रिप पे बाहर और वो घर में अकेला है और मुझे अंधेरा होने से पहले निकलना है। अभी अंधेरा तो हुआ नहीं है, मैं अपना वीडियो पब्लिश कर लूँगी उसके बाद मैं निकलूँगी। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी रियो टू नाइट और इसलिए मैं जा रही हूँ घर। अब घर जाने के बाद उसे राउंड मारूँगी, घुमाऊँगी, खाना खिलाऊँगी एंड देन आई विल स्लीप देयर इटसेल्फ, क्योंकि वो अकेला नहीं सोता है, वो अकेला कभी नहीं सोता है। तो मेरा फेस अच्छा लग रहा है मुझे, है ना, आई शेडो भी है अभी हल्का हल्का। तो यस, ओवरनाइट स्टे मेरा मॉम के यहाँ पे आज। मैं कल सुबह आऊँगी और फिर कल सुबह आने के बाद ये व्लॉग एडिट होगा, तब तक ये व्लॉग चालू रहेगा आज। या एंड व्हाट एल्स एंड या वही मैं सोच में कुछ भूल रही हूँ। वेट Let me show you. What is this? This is a bee. This is a bling bag. So I got a bling bag. Oh God, मैं एक मंथ की bling bag मिस की और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना। So May is here and the bling bag for me. Ouch. Bling bag for me is here. So this is the theme, the May glamorous getaway bling bag. This is the theme. और इसमें लिखा है ब्ला 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 जो भी है, हु केयर्स, बट मैं प्रोडक्ट्स के लिए केयर करती हूँ काफ़ी। सो माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन, दिस इज अ क्यूट लिटिल ब्रेसलेट, लेट मी शो यू। इसको खोलना पड़ेगा, सो गाइस ये है वो ब्रेसलेट और आई गेस ये कॉमन है, मतलब ऑलमोस्ट सबको यही ब्रेसलेट है। मैंने ब्लिंक बैग के सारे वीडियोज चेक किए जिन्होंने पब्लिश किए, तो ये आई गेस सबको ऑलमोस्ट सेम है। काफ़ी अच्छे स्टोन्स हैं, वाइट स्टोन्स है और ये कोई काइंड ऑफ अर्थ स्टोन है। तो ये है ब्रेसलेट, इसको ऐसे पहनना है। ये थोड़ा सा लूज है इस बार का मुझे, बट इसको ऐसे हम परफेक्टली टाइट कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट थिंग और ये मुझे कितने में पड़ा है, 699। या नेक्स्ट वन व्हाट आई हैव गॉट इज अ ब्यूटीफुल इयररिंग्स का सेट। और मुझे पता है इस बार क्या लग रहा था, मुझे इस बार लग रहा था शायद मुझे प्रोडक्ट्स कम आए, मुझे चार प्रोडक्ट्स आए और मुझे लग रहा था मुझे शायद एक प्रोडक्ट कम आए, तो इसलिए मैंने सबके वीडियोस चेक किए। देन आई रियलाइज सबको चार ही प्रोडक्ट मिले इस महीने में। सो या दीज आर द ब्यूटीफुल इयररिंग्स। और आप जो मेरा मतलब ऑफिशियली कल का जो वीडियो आप देखोगे बिगिनर सीरीज का, उससे मैंने ये इयर रिंग्स पहने हैं एंड आई एम सीरियसली लविंग दिस सो मच। मतलब ये कितने यूनिक है, हमको ऐसे इयर रिंग्स शॉप में बिल्कुल नहीं मिलते और ऐसी क्वालिटी के तो बिल्कुल नहीं मिलते। ऑसम ना, या सो इसका प्राइस, या इट कॉस्टेड फॉर अराउंड 899 rupees, 899 900 फॉर टू पीसेस। गुड, काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड द थर्ड वन, let's get to this. The third one is a set of rings. There are so many, I guess four rings hai, four rings. So let me view it and show you. ye dekhiye, ye hai charo rings aur ye kitni awesome hai. isme se mujhe ye plain wali zyada pasand aayi, ye ekdam perfect achhi wali lag rahi hai. ye diamonds wale bhi achhe hai, आई लाइक देम, बट सबसे बेस्ट ये वाली है, लव इट। एंड इसके अलावा एक काम करते हैं, मैं आपको इयर रिंग्स पहन के दिखाती हूँ, मुझे बहुत मन हो रहा है। आप ये देखिए कितने प्यारे हैं, इनफैक्ट इसका कलर कितना प्यारा है, नेवी ब्लू, मतलब पीकॉक कलर है ये, इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये। चेक आउट, लवली ना, सो लवली, कितना फ्लफी है देखो नीचे से, लव इट। ओके सो हम लास्ट चीज़ की तरफ मुड़ते हैं। अच्छा एक मिनट, ये रिंग्स मुझे कितने में पड़ी थी, हाउ मच, 799 rupees।
So I got these rings for $799,800. The last is the piece of neck, which is awesome. और मुझे लगता है ये मेरी earrings को शायद थोड़ा सा match करे. अच्छा ये earrings क्या कहते हैं? मैंने अभी अभी देखा था कोई वीडियो, ये earrings का कुछ स्पेसिफिक नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है. Really not remembering. अगर आपको नाम याद हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये वाली ईयरिंग्स क्या कहा जाता है. मेरा नाम मतलब दिमाग से छू हो गया है, मुझे याद था बट अब नहीं याद आ रहा है. सो यस द नेक पीस इज दिस. देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना. तीन है मतलब ये प्रॉपर, और ये काफ़ी लॉन्ग है नेक पीस. मतलब अगर मैं आपको ऐसे ही पहन के दिखाऊँ तो ये काफ़ी लंबा आता है, और मैं इसका समझ नहीं पा रही इतनी इसकी लेंथ क्यों दी है इन्होंने. ये एक तो मतलब चेन भी इसकी लंबी है, और इसके बाद ये जो इसके तीन है नीचे के ये भी लंबे हैं. यस इट लुक्स लाइक दिस. सो दिस इज एवरीथिंग व्हाट आई गॉट इन द ब्लिंग बैग फॉर मे. आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा. यू नो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं. वो मंथली होता है, 3 months होता है, 6 months होता है आई गेस, और 12 months होता है. तो उसकी जो लिंक है सब्सक्राइब करने की वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी. वो लिंक आप प्रेस करिए, उसमें से आप साइन इन करिए. साइन इन करने के बाद आप उसके मंथली सब्सक्रिप्शन बॉक्स वाला जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन आता है उसमें जाइए, मंथली सब्सक्रिप्शन बॉक्स सब्सक्राइब करिए. जो भी आप उसमें सिलेक्ट करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. और पेमेंट मोड होता है उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है इनफैक्ट. तो आप इस तरह से ये बॉक्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज आपको घर बैठे मिल जाएंगी, और उसमें काफ़ी डिस्काउंट भी होता है. इनफैक्ट मुझे भी डिस्काउंट कोड आते हैं, बट इस महीने मुझे डिस्काउंट कोड नहीं आया, वरना मैंने आपके साथ वो शेयर किया होता. आपको उस कोड के साथ कोई भी ब्लिंक डिस्काउंटेड रेट में मिल जाता, बट सो सॉरी इस मंथ में बिल्कुल मुझे डिस्काउंट कूपन नहीं मिला है. तो ये है ऑल अबाउट ब्लिंक बैग. डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस एंड गेट द बॉक्स इन योर हैंड्स. Also, I got this neck piece for around 999 rupees, I guess. Yeah, it's for 1000 rupees and the neck piece is for 1000 rupees. Expensive. और एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गई guys. Every bling bag or bling box subscription has purse or a handbag or that sort of things. And इस महीने मुझे ये वाली sling bag मिली है. ये सीधी क्यों नहीं हो रही है. ये वाली स्लिंग बैग मिली है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, इसका प्रिंट देखिए, मुझे नहीं पसंद आया. ये मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई. बैग है काफ़ी अच्छी, बहुत स्पेशियस है, और मतलब जिसको स्लिंग बैग पसंद है उसे ये पसंद आएगी, अच्छी है. बट मुझे हल किसी क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ये देखिए इस तरह से मुझे क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रही क्वालिटी. और ऐसी वाली स्लिंग बैग्स मेरी सिस्टर को काफ़ी पसंद है, तो मैं सोच रही इसको सिस्टर देने के लिए, बिकॉज शी लाइक्स देम. तो मैं फालतू में रख के क्या करूँगी, मैं यूज़ तो करूँगी नहीं. सो आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग इट टू हर. सो या स्लिंग बैग की सबसे बेहुदा चीज़ आपको दिखानी रह गई थी. सो या हेलो गाइस, सो रात के बज रहे हैं 10 एंड आई सीरियसली डिडंट गॉट टाइम. आने के बाद इसका राउंड इतना बड़ा हुआ ना, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना खाया. मैंने खाने में खाया आमरस एंड पराठा, एंड फ़ोन पकड़ के भी अब हाथ दर्द कर रहा है. और अभी बज रहे हैं 10, खाना वाना सब हो गया. अब मैं इसको और एक बार घुमाने लेके जाऊँ, क्योंकि वो था उसका शाम का राउंड, अब ये है इसका रात का राउंड. सो अब मैं इसे वापस घुमाने ले जाऊँगी, और फिर मैं लिटरली सोने वाली हूँ. आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था. और एक बात
जो मेरा बिगिनर सीरीज का वीडियो जिसके बारे में आपको बता रही थी, मुझे उसे काफ़ी कम रिस्पॉन्स आया है एंड आई एम सो अपसेट विद दैट. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ लेस रिस्पॉन्स बट आई गॉट अ वेरी लेस रिस्पॉन्स फॉर दैट वीडियो एंड आई डोंट नो वॉट ड्यू टू दैट मिस्टेक ऑफ माइंड. पता नहीं ये रिस्पॉन्स कम आया है या पता नहीं क्या, आई डोंट नो, बट ये काफ़ी चिंताजनक बात है मेरे लिए. बट एनी वेज दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ. इसके बाद मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगी एंड आई एम श्योर यू गाइज विल रिस्पॉन्ड मी वेल एंड यू ऑल विल नॉट बी अपसेट. आई होप आप अभी भी नहीं है बट या एंड वट एल्स. मैंने काफ़ी दिनों बाद आज अमरस खाए हैं, पता नहीं कि बताने के बाद भूल गए आपको. मैंने जैसे मैंने आपको बताया मेरे पिंपल्स, आप यस पिंपल्स देखिए मेरे सारे कम हो रहे हैं, ये मतलब ऑलमोस्ट वेंट ऑफ एंड ये भी ऑलमोस्ट वेंट ऑफ, बट इसके सब के दाग अब रह गए. अब ये दाग आई गेस 15-20 डेज में जाएंगे आराम से. तो मैंने इस चक्कर में आमरस खाना बंद किया था, मैंगोज बंद कर दिए थे, बट आई डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन. मॉम के यहाँ पे सारे पके हुए आम थे एंड मैं कंट्रोल नहीं कर पाई एंड व्हाट आई डिड वाज मैंने पराठा बनाया, चपाती थिक वाली, चपाती तो नॉर्मल होती है तो आज सोचा पराठा बनाऊँ, और मैंने आम रस, तीन आम का रस निकाला एंड आई एट अलोन. मुझे इतना ज़्यादा मन हो रहा था आम रस खाने का तो आई डिड दैट एंड अभी मैं बैठी हूँ इसके साथ. ये देखिए ये आराम से लेटा है, अभी मैं बैठी हूँ इसके साथ थोड़ी सी देर एसी लगा के, क्योंकि गर्मी मतलब कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है. इनफैक्ट अब मई है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कभी ना कभी तो बारिश हो जाए, और यू नो एक हाथ दो दिन जब कंटिन्यूस बारिश हो जाता है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है. मई में ज़्यादातर एक हाथ दो बार बारिश हो ही जाती है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट मुझे गर्मी से बहुत तकलीफ हो रही है. मैं एसी लगाई, इनफैक्ट मैंने ये भी मुझे मतलब जैसे मैं इसको खाना वाना हो गया इसने मुझे ये जैसे चिल्ला के बताता है, उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हम लगा लेते हैं. तो इसको ये था कि इसको एसी लगवाना था क्योंकि जनरली हम रात में सोते टाइम एसी में सोते हैं और यहाँ पे मम्मी को एसी में सोने की आदत है. जनरली खाना होने के बाद मम्मी एसी लगाती है फिर ये यहाँ आके बैठता है, बिकॉज मतलब हमारे अंदर जितनी हीट होती है उससे डबल मतलब डॉग्स और एनिमल्स के अंदर हीट होती है. तो इसे भी एसी से काफ़ी अच्छा लगता है. ये मुझे बता रहा था लिटरली जब मैं खाना बना रही थी चिल्ला चिल्ला के, तो मैं थोड़ा बहुत समझ गई कि इसको शायद एसी चाहिए क्योंकि खाना तो हो गया था, सब कुछ हो गया था, तब और क्या चाहिए. तो जैसे मैंने एसी लगाया इस रूम में ये यहाँ पे आके आराम से लेट गया और ये एक घंटे से लेटा हुआ है, बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रहा है. सो या thank you.
मैं अकेली आई थी यहाँ पे, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था बट ही सेड नो ही इज़ नॉट गोइंग टू कम विथ मी. तो मैंने कहा ठीक है ओके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी. बट मेरे हस्बैंड ने मुझे आके सरप्राइज दिया. अभी 11 बज रहे हैं और वो 11 बजे आके मुझे सरप्राइज कर रहे हैं. उन्होंने मुझे कहा मैं नहीं आऊँगा बट वो आए. एक्चुअली मैं और रियो यहाँ पे अकेले थे तो ही थॉट यू नो मैं अकेली हूँ मैं बोर हो जाऊँगी, तो ही जस्ट केम एंड यस. तभी वो खाना खा रहे हैं, एक बार खाना हो जाए फिर हम सोएंगे, फिर मैं उससे बात करती हूँ. ओके बाय. हाय गाइस हाउ आर यू, दिस इज ऑफिशियल डे 2 नाइट, क्योंकि मैं कल व्लॉग करना भूल गई और मैं इसे एंड भी नहीं कर पाई. आज जब मैं वीडियो एडिट करने ले रही थी तब मेरे ध्यान में आया कि मैंने इस व्लॉग को तो एंड ही नहीं किया है जो आप अभी देख रहे हो. सो आई जस्ट थॉट कि मैं इसको एंड कर दूँ बिकॉज ये लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ मैं. और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट करिए लाइक. और अगर मेरे ब्लिंक्स आपको पसंद आए, जो मैंने ब्लिंक बॉक्स सब्सक्रिप्शन आपके साथ इस व्लॉग में शेयर किया है जो मे का सब्सक्रिप्शन बॉक्स है, तो इसे हिट करिए लाइक ऑब्वियसली. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे इसके बाद वाले अच्छे अच्छे व्लॉग्स एंजॉय कर पाएँ. और ऑब्वियसली मैं ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाती हूँ तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय देम. सो डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी सजेशन एनी क्वेश्चंस एंड दैट सॉर्ट ऑफ विद मी. श्योरली आई विल लव टू आंसर देम. ऑल्सो मेरी सोशल मीडिया साइट्स पे अगर आपने मुझे अब तक लिंक नहीं किया, अगर अब तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए. एंड उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दी है. इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, प्लीज़ फॉलो मी ऑन दैट एंड डू कनेक्ट विद मी ऑन माई ऑल सोशल मीडिया साइट्स सो दैट वी कैन गेट मोर हुक्ड अप विद ईच अदर. एंड यस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. सी यू टिल माई नेक्स्ट वन. बाय.